बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाए जाने के बाद अब आकाश आनंद का बयान सामने आया है। आकाश आनंद ने मायावती के आदेश को सबसे ऊपर बताते हुए उसे स्वीकार किया है। उन्होंने मायावती को सर्वमान्य नेता भी बताया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्ष की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे ही मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। दरअसल दो दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान करते हुए कहा था कि मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक फिलहाल इन दोनों जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को अलग रखा जाएगा। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा था, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा राजनीतिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी व मैंने खुद भी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस ऐलान के साथ मायावती ने आकाश आनंद से उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय संयोजक दोनों ही जिम्मेदारियां छीन ली थी। बसपा चीफ ने आगे लिखा था, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक इन दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश आनंद अब ना तो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रह गए हैं, न ही मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी, लेकिन दो दिन बाद उन्होंने भी सोशल मीडिया पर मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने लक्ष्य को दोहराया है। 2019 से ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे आकाश आनंद को मायावती ने 2023 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश आनंद से पहले मायावती ने उनके पिता यानी अपने भाई आनंद कुमार को भी बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कुछ समय बाद एक ही झटके के साथ सब कुछ वापस भी ले लिया था। आनंद कुमार को बीएसपी में लाए जाने के बाद पार्टी के अंदर भी कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन सारे नेता चुप थे। आनंद कुमार की तरह आकाश आनंद के कामकाज के रवैये से भी काफी बसपा नेता नाराज बताए जा रहे थे। खैर, आकाश आनंद ने खुद को फायर ब्रांड नेता की तरह स्थापित किया। मंच से अपने संबोधनों में बीजेपी और बाकी विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे थे और इसी कड़ी में सरकार पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर गए। इसके चलते उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज हुआ था और तभी से कहा जा रहा था कि बसपा की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि बाकी बचे लोकसभा चुनाव के चरणों में आकाश आनंद बसपा के प्रचार में कितना एक्टिव रह पाते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।